And then today we will see different type of transformations. SQL Server Excel से डेटा लेके SQL Server में डालेंगे और SQL Server से डेटा लेके Excel में डालेंगे, ठीक है, Excel में डालेंगे। और यहाँ पे काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, जैसे कि आपका कॉपी कॉलम, ठीक है, पाइवट, रो सैम्पलिंग एंड आपका यूनियन, यूनियन हम लोग यूज नहीं किए, यूनियन ऑल, मर्ज जॉइन यूज किए हैं, मर्ज यूज किए हैं, डिराइव कॉलम यूज किए हैं, डेटा कन्वर्सन की जरूरत करते हैं, सारे को हम यूज करेंगे। तो चलिए एक दूसरा एक पैकेज बनाते हैं। ये इतना ऑप्शन इसमें सारा दिया हुआ, ये सारा यूज होता है इसमें से कुछ सॉरी, सारे कुछ यूज किया जाता है काम, ये जितना ऑप्शन दिया हुआ सारा कुछ यूज करते हैं हम लोग। सारा यूज नहीं होता है, जो भी हम स्टैंडर्ड पैकेज में यूज करते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसफर के लिए। अब देखिए मेरा जो सिनेरियो है, मेरा सिनेरियो के हिसाब से ये इतने सारे टूल्स में मेरा काम हो गया है ना। अगर किसी का कोई मिसेलेनियस रिक्वायरमेंट पड़ता है, अगर आपका दो टेबल को डेटा को जोड़ना है ना कि ज्वाइन करना है, जोड़ना और ज्वाइन करने में बहुत सारा डिफरेंस है। डेटा टेबल वन में जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जो जो कॉलम्स है, टेबल टू में भी एग्जैक्टली वही कॉलम्स है। अब ये दोनों टेबल का रिकॉर्ड्स को लाके आपको जोड़ के एक ही टेबल में डालना है, ना कि एक किसी का फॉरिन की प्राइमरी की के हिसाब से किसी को ज्वाइन करना है। उस केस में आपका ये मर्ज जॉइन या लुकअप वगैरह कोई भी यूज नहीं होगा, उस केस में आपका सिंपल यूनियन होगा। तो चलिए यूज करते हैं यूनियन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम यूनियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये एक यूजफुल टूल है, इसको यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, कितना रो काउंट आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली विल शो यू हाउ मेनी रोज आर गोइंग टू बी काउंटेड ओवर हियर। हम जो जो डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे कि हम SQL सर्वर यूज करते हैं, तो अपने लिए यहाँ पे OLTP डेस्टिनेशन इज सफाइस। हम एक्सेल यूज करेंगे तो एक्सेल सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज सफाइस। एक दूसरा पैकेज बनाते हैं, ये पैकेज हम बना चुके हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। इस पैकेज से हम काम कर रहे थे, दूसरा एक पैकेज बनाते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन कैसे होता है, नॉर्मली जैसे कि अपना एक एक्सेल टेबल है, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए मैं जाऊंगा एक वेबसाइट, इसका नाम है generatedata.com। इन दिस वेबसाइट यू कैन जेनरेट द डेटा वेरी इजिली। तो मैं अभी 100-100 के दो टेबल्स बनाऊंगा, इसमें 100 रिकॉर्ड होगा, तो उसको यूनियन करके जॉइन जोड़ूंगा डेटा को एक टेबल पे, इसमें 200 रिकॉर्ड जाके रह जाएगा ऑटोमेटिकली, इसमें जॉइन नहीं होगा। 100 डेटा में लूंगा मेल एम्प्लॉय, 100 डेटा लूंगा फीमेल एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो नेम नेम आपका जो नेम हो गया ये वाला जॉन स्मिथ समथिंग लाइक दिस, इस तरह का लेगा, और इसमें जॉन मेल जेंडर होगा, ठीक है, जे एच ओ एन स्मिथ, जॉन स्मिथ इज अ
मेल जेंडर, मेल नेम सरनेम, ओके, एंड जेंडर इज These are all the John Smith, जेन, ये जो है मेल है और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एज, एज जो होगा आपका 25 में से 25 से लेके 50 साल के एम्प्लॉय तक। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन भी लिस्ट में है यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो कस्टम लिस्ट अपने को जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए कस्टम लिस्ट में आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से कंपनी नेम, डिपार्टमेंट नेम, नंबर ऑफ वर्ड्स, फिक्स नंबर ऑफ रैंडम नंबर ऑफ वर्ड्स। सो तो कस्टम लिस्ट में मैं दूंगा डेजिग्नेशन जो है इंजीनियर, पाइपलाइन देके आप लोगे टीम लीड, प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीईओ, ओके, इतने हो गया डेजिग्नेशन कंपनी का। अब सैलरी, यहां तक लूंगा सैलरी जो है एक नंबर रेंज होगा, फिक्स नंबर ऑफ नंबर रेंज। सो नंबर रेंज में 10,000 से लेके 1.5 लाख तक, 2 लाख तक। दो लाख तक अब ये एक टेबल हो जाएगा। इसमें जनरेट होगा एक्सेल, उसमें 100 रो होगा अनजनरेट, सिंपल एक डेटा जनरेट कर लेगा मेरा। ये देखिए एक्सेल में कितने इजीली एक टेबल जनरेट हो गया, इसमें सारे मेल एम्प्लॉयज का नाम आ गया, सारे के डेजिग्नेशन आ गया, एज आ गया, नाम भी आ गया मेल एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पे एक ले लूंगा कॉलम, इसमें मैं ऐड करूंगा
जेंडर, जेंडर ये सारे मेल है, है 100 रिकॉर्ड्स आ गया हर मेल एम्प्लॉय। अब मैं बिल्कुल और एक भी एक टेबल बनाऊंगा, मेल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जॉन स्मिथ को चेंज कर दूंगा जानी स्मिथ के नाम पे, फीमेल एम्प्लॉय, क्योंकि बाकी सारे जो चीजें मेरा सेम रहेगा। फिर से टेबल जनरेट हो गया फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, ये दोनों टेबल को आपको SQL सर्वर में डालना है, एक टेबल बना के SQL सर्वर में आपको रखना है। मैं यूजिंग व्हाट टू यूनियन, यूनियन ऑल, फीमेल। ठीक है, तो ये लेडीज का नाम है सारे और जेंडर जो फीमेल है दोनों को। इसमें कोई भी टेबल एम्प्लॉय का किसी के साथ रिलेशन नहीं, अगर आप दो टेबल को ले रहे हो यहाँ पे फीमेल, तो ये डेटा जो 100 रिकॉर्ड है ये सारे के सारे जाके उस टेबल के डेटा के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, तो ये हो गया पूरा यूनियन। ये टेबल का डेटा और ये टेबल का डेटा पूरा मिल जाएगा और जाके फाइनली एक टेबल में रहेगा। इसमें जॉइनिंग क्या करोगे आप, जॉइनिंग तो इसमें है नहीं क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड इसका कॉमन नहीं है। ठीक है, सारे डिफरेंट है। तो हम इस डेटा को लेके अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे बाय यूजिंग यूनियन नोवेल यूजर। MSBAI के पैकेज में एक सोर्स फोल्डर करके रखेंगे और दोनों को हम इसमें यूज करेंगे बाय यूनियन ऑल करके। क्रिएट न्यू पैकेज, पैकेज का नाम होगा यूनियन, यूनियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई जस्ट मेड इट यूनियन ट्रांस। अब मुझे कौन सा लेना है ट्रांस सोर्स इस डेटा को लोड करने के लिए, डू हैव टू यूज सीक्वल सर ओएलटीपी सोर्स? नो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक डेटा फ्लो टास्क, डेटा फ्लो करेंगे दोनों टेबल से लेके हम SQL सर्वर में रखेंगे। यहाँ पे इसमें आगे उसके बाद डेटा सोर्स जो होगा आपका अदर सोर्सेस में एक्सेल सोर्स में लेंगे उसको। ठीक है, एक एक्सेल सोर्स में जाएगा, दूसरा एक एक्सेल सोर्स जाएगा। इसमें होगा मेल एम्प्लॉय, मेल, so the topic which we are covering is by using union all transformation to merge the data, okay, to union the data. So why it is showing error, because there is no connection string is added over here. So I'll have to create a connection string, right click, new, flat file connection. And here, just browse it. Sorry, new file connection. Okay.
For Excel, the connection manager, you have to choose the type of connection manager should be your file connection. Okay, there are two different tables. One is a mail table, I've chosen it simply mail employee. Then second, new file connection, choose it female employee. That's it. Okay, now just use this connection manager name as over here. Why is not coming? Just select the connection manager from the list of the connection managers. Okay. New, why is not browsing from here? Existing connections. All right, I'll just create new and just open up the Excel file here. Mail, this thing first row had the column name. Okay, fine. And then table, I can see one of the tables is loading mail. Okay, he load kar diya mail ko. अब देख रहे हैं अभी सारे मेल टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया. 100 रो इज देयर ना, दैट इज ओके. द कनेक्शन मैनेजर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आई कैन स्ट्रेट अवे गेट द कनेक्शन इन केस ऑफ एक्सेल. सो हियर न्यू ब्राउज फीमेल कनेक्शन एंड गो नेक्स्ट. एक्सेल कनेक्शन मैनेजर वन इज क्रिएटेड एंड देन टेबल एंड व्यू. ओके, next is female. See the female employee names. Okay, field names has to be same in this case of union. Field name has to be same, otherwise agar aapka dono table ka column same nahi hoga to dono table ka data judega kaise? It is not a kind of join, right? In join kya hota hai, table ka column, ek column ko jod ke aap field, multiple fields rakhte ho, but yahan pe jo table ka field rahega source mein, डेस्टिनेशन भी में भी वही ट्रेवल का फील्ड रहेगा, तो डेटा बस मर्ज हो जाएगा, डेटा बस यूनियन हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इस कनेक्शन मैनेजर का नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मेल कौन एंड दोनों कनेक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं. ठीक, अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यूनियन ऑल. ठीक है, तो आप जैसे अब आइकन को देख रहे हो यहाँ पे, ये कैसा आइकन है, मतलब दो सोर्स से डेटा आ रहा है. देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेस एज इनपुट, राइट? दिस इज वन सोर्स एंड दिस इज वन अनदर सोर्स. सो दिस सोर्स इज गोइंग टू बी मर्ज्ड इन अ, दिस नॉट गोइंग टू जॉइन, इट इज अ मर्जिंग सिंपल. Okay, drag it and drag it. Okay, data भी merge हो गया and finally हमको data को कहाँ लेना है? You can double click over here. Now, output column name जो है, output table जो होगा इसका, output table में भी आपका column वही रहेगा, same रहेगा, name, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. ओके, यूनियन ऑल का जो इनपुट है, मेल एम्प्लॉइज यहाँ से आएंगे और फीमेल एम्प्लॉइज यहाँ से आएंगे. ठीक है, और जेंडर जो फील्ड है दोनों टेबल पे, यहाँ से फीमेल आए, मेल टेबल का डेटा आएगा, यहाँ से फीमेल टेबल का डेटा आ जाएगा और दोनों जाके यहाँ पे रह जाएंगे. वेरी सिंपल है. अब इसको लेके हम SQL सर्वर का टेबल में रखेंगे. SQL सर्वर में एक तुरंत एक टेबल बना देंगे यहाँ पे, अपना जो डेटा वेयरहाउस है उसमें एक टेबल बनाएंगे और उसके लिए यहाँ से हम डेटा को फेच करेंगे. तो SQL सर्वर में डेटा अभी हम फेच करने के लिए हमको
एक सीक्वल सर्वर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट क्लिक OLEDB कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो DWH है यहाँ पे अब अपना DWH को हम सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो कनेक्शन पहले से है अपना, तो DWH कनेक्शन मैनेजर ऐड हो गया यहाँ पे। ये तुरंत हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे SQL सर्वर में, और अपना डेटा जो है एक्सेल से जाके SQL में रहेगा। डेटा वेयरहाउस में दूसरा टेबल क्या बनेगा, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। राइट क्लिक, टेबल, तो यहाँ पे एक आईडी रखेंगे टेबल का जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय का आईडी होगा, ये होगा एम्प्लॉय का आईडी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा सीक्वल सर्वर। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं दे दूंगा क्या, इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी जो होगा इंटीजर होगा, और इंटीजर का यहाँ पे सीक्वल सर्वर में व्हाट यू कैन डू, I want this in employee ID has to be automatically generated, it will not be pushed from any of the Excel or other source. जैसे आपका एक employee add होता है, उसका employee ID हो जाएगा 10001, ठीक है। अगले वाला employee का ID होगा 10002, तो ऐसे करके record insert होता जाएगा। So identity specification, you can make it yes. Identity has to be yes. Yes हो गया। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट इज वन, वन वन करके बढ़ेगा। आइडेंटिटी सीड मतलब जो पहला वैल्यू होता है एम्प्लॉय का, पहला जो आईडी होगा एम्प्लॉय का वो होगा 1000, ठीक है, और 10000, ठीक है, ये होगा एम्प्लॉय का आईडी। अब जब एम्प्लॉय का आईडी बढ़ेगा ये होगा 10001 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये हो गया मेरा ऑटो आईडी, ऑटो आईडी करके ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन दिया गया। सीक्वल सर्वर में एक प्रॉपर्टी है, अब इसको चूज करके अगर आप ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यस करते हो, इसमें आप ऑटोमेटिकली वैल्यू को फीड कर सकते हो। इसको मैं यस कर दिया, इनिशियल इंक्रीमेंट होगा 1-1 करके, इनिशियल सीड जो होगा 10000। समझ में आ रहा है यहाँ पे, हेलो, ठीक है। आईडी क्रिएट होगा, अब होगा मेरा क्या, नेम, नेम होगा कौन सा डेटा टाइप का, नेम होगा वारकैर, वारकैर 50, और जेंडर, जेंडर होगा भी वारकैर 10, और उसके बाद क्या था सेल में, एज डेजिग्नेशन सैलरी, ठीक है। एज, एज जो है वो न्यूमेरिक मिलेंगे, इंटीजर होगा, और एन कैरेक्टर, एन कैप डेजिग्नेशन, ये होगा आपका पेयर कैर 20 एंड सैलरी, सैलरी होगा फ्लोट, ठीक है। सैलरी में आपका 10500 10500.10 ऐसे भी हो सकता है, सैलरी को आप ऐसा फ्लोट में ले लीजिए। फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इंटीजर दोगे तो उस डेटा में डेसिमल वैल्यू के बाद का जो डेटा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज राउंडेड करके ही लेगा, ठीक है। फ्लोट में आपका डेसिमल वैल्यू के बाद जो डेटा होता है वो भी दिखा सकता है, ले सकता है। सो टेबल का स्ट्रक्चर हम बना दिया, अभी हम टेबल को सेव कर रहे हैं, और इस टेबल में हम डेटा ऐड करेंगे एक्सेल से। एक
एम्प्लॉय टेबल अपना बन गया। अब इसको यहाँ से I'll just create a OLEDB destination, OLEDB destination। इस डेस्टिनेशन में हम देंगे नाम एम्प्लॉय, मेल फीमेल को मिला के पूरा एम्प्लॉय जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करिए तो इसमें कनेक्शन मैनेजर इज नॉट बीइंग असाइन, ऑलरेडी भी डेस्टिनेशन मार कर रहे हैं। हाँ इनपुट देना पड़ेगा इसको, इनपुट में कनेक्शन मैनेजर जो है ये सेट कर दिया हम ऑर्डर DWH। अब इसमें डेटा क्या है, टेबल और व्यू को चूज करेंगे और कौन सा डेटा को ले रहा है अभी TVL एम्प्लॉय का। व्यू डेटा में सारे सारे इंफॉर्मेशन है TVL एम्प्लॉय। ओके ये सेट हो गया। अभी इसको मैपिंग करना है, यहाँ से इसका आउटपुट जाके यहाँ पे एम्प्लॉय में रहेगा। ठीक है, अब डबल क्लिक करने से इसको मैपिंग का व्यू दिखाएगा। व्यू एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ भी रिकॉर्ड है नहीं। अब मैप द कॉलम सी, दिस इज द सोर्स टेबल डेटा राइट, जो आपका दोनों टेबल से डेटा मर्ज होके डेटा फ्लो होके यहाँ पे रह रहा है। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फनल व्हिच इज पासिंग द वाटर फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज टू दिस टारगेट टेबल। ओके नाउ इन दिस सोर्स वी हैव नेम एज जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, बट हियर इट इज नॉट देयर। आईडी जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, सो आई डोंट हैव एनी सोर्स अदर सोर्स कॉलम टू एंटर हियर, सो आई कैन सिंपली मेक इट इग्नोर। इवन इफ आई मेक इट इग्नोर, दिस आईडी विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन अ फील्ड टाइप अस आइडेंटिटी। ओके chosen fine, now it is already mapping because the field names are absolutely same, so that's why it is mapped. If it is different then in that case you have to choose other fields and then assign. Okay, ye map ho gaya and error mein bhi aapko jaake yahan pe set karna hai, fail component should not be there, ignore error and ignore failure, apply and okay. Now what is the error still coming up? Column name, name cannot be convert to Unicode. Yes. So now this is the twist coming here. In the source table, in the Excel table, the data type of Excel is something different, whereas in SQL Server, the data type is something different. Name column. Okay. SQL Server में जो name column है, उसका data type है something different. Cannot convert between Unicode and non-Unicode string data type. So in this scenario what we have to do, we have to use a type conversion transaction transformation. Okay, normally ऐसे होता है, एक टेबल में आपका अगर इंटीजर में डेटा होगा दूसरे एक टेबल में आपका फ्लोट में हो सकता है, एक टेबल में अगर आपका डेटा होगा कैरेक्टर में दूसरे टेबल में आपका होगा वैर कैर में, तो डेटा को कन्वर्ट करके लेना पड़ता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए। उसके लिए आपका कॉलम यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज होता है, नॉर्मली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक है टाइप कन्वर्शन करके, ये वाला डेटा कन्वर्शन। ठीक है, व्हाट इट डज, इट विल सिंपली कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ वन कॉलम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड विल कन्वर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे, अब इसको डिलीट करें, इसको यहाँ पे ऐड करें, इसको आउटपुट को फिक्स करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं यहाँ पे। डबल क्लिक, चूज ऑल द फील्ड्स, सी द डेटा टाइप्स ऑफ दिस कॉलम्स। ओके इनपुट कॉलम जो है यहां तक जो कॉलम का नाम है वो है नेम जेंडर एज डिस्ट्रीब्यूशन दिस। आउटपुट का जो कॉलम होगा ये होगा कॉपी ऑफ नेम वन, कॉपी ऑफ नेम टू एंड सो ऑन। इसको हम मैप करेंगे वहां पे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर ये आपका इंटीजर हो कि यहाँ पे आ रहा है और टारगेट में आपका फ्लोट है डेटा टाइप, तो यहाँ पे आते आते उसका डेस्टिनेशन जो है फील्ड उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा फ्लोट।
और वो फील्ड जो है वो एडिशनल यार्ड होगा, ना कि इट विल रिप्लेस द ओल्ड फील्ड। अगर आपके यहाँ पे फील्ड का नाम है नेम, तो एडिशनली यू विल हैव अनदर फील्ड इन द आउटपुट कॉपी ऑफ नेम, और एल्स यू कैन चेंज इट नेम वन, ओके जेंडर वन, एनीथिंग यू कैन गिव जस्ट फॉर आवर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो हम मैच करेंगे अभी करेंगे टाइप नेम वन का ये इतना। अब यहां से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, यू कैन चूज द डेटा टाइप। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या मांग रहा है डेस्टिनेशन में। नेम कैनॉट कन्वर्ट बिटवीन यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, सो अब मैपिंग में देख लीजिए, इसको मैं मैप करूंगा, इसमें मैं नेम वन दूंगा, जेंडर वन दूंगा, एज वन दूंगा, डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन, क्या मैं इसको डेजिग्नेशन चेंज नहीं किया क्या? नहीं, वहां पर डेजिग्नेशन वन और मसाजिंग करेंगे उसका डेटा टाइप को चेंज कर देंगे और वहां पे SQL सर्वर में पुट करेंगे। अब ये आपका मैपिंग में देखिए डिफरेंस आ गया, डेजिग्नेशन वन सैलरी वन। तो हम पहले का एक्सेल का डेटा को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगा, इसका डेटा टाइप अलग है। ये जो नेम वन जेंडर वन एज वन सब कुछ ले लिए डेटा टाइप को, हम उसको कन्वर्ट करके ही इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन माउस ओवर करें एंड देन सी व्हाट इज द फॉर्मेट इन द डेस्टिनेशन DTSTR। ठीक है, लेंथ इज 50 and in the left side what is the data type DTWSTR and what is the length 255। excel ka koi bhi limitation nahi hai, excel ka koi bhi field ka maximum size jo hai wo 255 character ka hota hai, to ye maximum size ke liye liya, but database mein hum kya karte hain restrict karke hum define karte hain। excel mein to aise kuch hai nahi na concept, aap excel ka jo bhi field mein aap data add karoge wo by default uska memory allocation hoga 255 character। डेटाबेस में हम उसको मैक्सिमम मेमोरी एलोकेशन लिए हैं 10 कैरेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू डेटाबेस वी विल हैव टू चेंज द सोर्स फील्ड DTSTR करना है और लेंथ जो है उसका 50 करना है। एक एक करके करते हैं, यहाँ पे देखिए DTWSTR है उसको हम चेंज करेंगे क्या DTSTR जो भी का टाइप है ये हो DTSTR। ठीक है, यूनिकोड स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग डेटाबेस में जो है वो नॉर्मल स्ट्रिंग है और ये है यूनिकोड स्ट्रिंग। अब इसका लेंथ जो है हम इसको चेंज कर देंगे कितना 50, एक फील्ड का काम हो गया। वैसे ही इसका भी था चेंज करें चेक करेंगे आप, यू सजेस्ट मी यू टेल मी, ये हो गया इसका काम हो गया। देखिए DTSTR लेंथ है 50, अब इसका लेंथ क्या है DTSTR लेंथ 50, ये काम करेगा सही सही। अब एरर देखिए, एरर कुछ और अलग दिखा रहा होगा है ना, नेम से एरर हट गया, मेक सेंस। अब जेंडर में हम देखेंगे जेंडर का डेटा टाइप में क्या है, जेंडर में DTSTR है लेंथ कितना है 50 है। अगर आप यहां से 50 कैरेक्टर का डेटा पास करोगे तो ये लाइन नहीं लेगा क्योंकि इसमें लेंथ जो है 10 कैरेक्टर का है, क्योंकि जेंडर मेल फीमेल ये कितना कैरेक्टर का होता है 5 कैरेक्टर का होता है, फीमेल FEMALE MALE। ठीक है, तो 6 कैरेक्टर का होता है, उसमें ज्यादा कैरेक्टर हम ले नहीं सकते, तो हम इसको सेट करेंगे इतना कि 10 कैरेक्टर और DTSTR। अगेन देखिए ये हट गया, इंटीजर दोनों केस में सेम है तो एरर नहीं है इंटीजर में, अभी डेजिग्नेशन में एरर है। डेजिग्नेशन कितना है
और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक BT WSTR BT और ये सपोर्ट करेगा शायद, हाँ अरे R8 आई डोंट नो, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम चेंज करेंगे। तो इसको डेजिग्नेशन में DTSTR है, लेंथ है इसका 20, इसका है 255, सो इसको चेंज करेंगे। डबल क्लिक 20 DTSTR कर लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन सैलरी ये देखिए ये एरर हट गया, अभी थोड़ा ये आ गया आपका अलर्ट के लिए, फिर भी काम करेगा क्योंकि ये एरर नहीं है। डबल क्लिक करें, मैपिंग में जाइए, सैलरी का फॉर्मेट क्या है, DTR8, मतलब R8 मतलब न्यूमेरिक ले लेता है, ठीक है, मतलब फ्लोट है, और यहाँ पे भी R8 है, तो दोनों केस में सेम पैरामीटर सेम है, ठीक है, ये काम कर गया। अब एज में DTWSTR, एज में यहाँ पे DTR8 है, तो हम इसको करके यहाँ पे एज में DTWSTR कर लेते हैं, मैपिंग एज DTWSTR लेंथ है 10। एज कैसा है, एज में हम क्या दिए टेबल का फील्ड कॉलम में, एज में अच्छा एन कैर दे दिए, एन कैरेक्टर एज में न्यूमेरिक होने से होता था, ठीक है कोई बात नहीं। इसको DTWSTR दे दिए यूनिकोड कैरेक्टर, अब इसको दे दिए 10, अभी पूरा पूरा काम करेगा। एज में DTWSTR लेंथ है और ये हो गया DTR8, ठीक है। अच्छा मैं इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज नहीं किया था, इसका था क्या DTSTR 20, ठीक है। अभी सारा का सारा काम कर गया, देखिए डेस्टिनेशन DTSTR 20, DTSTR 20, सैलरी DTR8, DTR8, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट डेटा टाइप, जेंडर में DTSTR 10, DTSTR अच्छा जेंडर में ज्यादा डाल दिया हूँ इसका लेंथ, शायद इसीलिए जेंडर में, अच्छा इसका क्या था 10 था। अब देखिए ये सॉर्ट आउट हो गया, देयर इज नो एरर नाउ, ठीक है। सो इट विल वर्क, इट विल टेक द डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स, टू डिफरेंट एक्सेल टेबल्स, एंड सिंपली इट इज नॉट अ काइंड ऑफ जॉइनिंग, इट विल टेक फर्स्ट मेल 100 मेल रिकॉर्ड्स, then 100 female records and simply attach them, push them into a single table. So save. Now here we can apply right click, enable data viewer. So this tool, this transformation data viewer will show you how many records are going over here. Row count. नॉर्मली रो काउंट फंक्शन क्या किस लिए यूज होता है, जैसे कि आपका 100 रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं, तो फाइनली ईच रिकॉर्ड के अगेंस्ट में आपको एक सीरियल नंबर डालना है, ठीक है। तो इस केस में आप रो काउंट करके एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आप सीरियल नंबर की तरह यूज करके आप उसमें टारगेट टेबल में 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाल सकते हैं। बट यहाँ पे अपना तो वी हैव जस्ट सिंपली क्रिएटेड द आईडी व्हिच विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, सो इट विल वर्क, ठीक है। So this transformation is ready, just save it, build this you know
executed. First execute it. Then let's see how the data is coming off. Absolutely fine, row displayed 200 records. How many records are stored in the employee table? Can I see the statistics? 100 table, यहाँ से 100 row आया, यहाँ से 100 row आया, दोनों merge हो गया, union हो गया. It is not joining, it is simply union. एक male के साथ female के साथ कोई relation नहीं है. एक record first row में insert हुआ, दूसरा record second row में insert हुआ. किसी row का दूसरे row के साथ relation नहीं है. बस based on the column name they are going inserted into this. And then data यहाँ पे convert हो गया. ये पूरा ट्रिक है. यूनियन तो इजी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थोड़ा ट्रिकी था. डिड यू अंडरस्टूड दिस डेटा कन्वर्शन टूल क्लियरली? यस, इट इज वेरी यूजफुल ना, बिकॉज यूनियन ऑल तो वेरी इजी है. इसका जो स्ट्रेटजी है इट हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द टेबल इज फिल्ड विद द डेटा. सेलेक्ट रिकॉर्ड and we should have 200 records in the table. Great, I have all these employees, female employees. Okay, you can see female employees are there, all these are female employees up to 100, and then after 100 we have all male employees. Okay, now you see this ID is not being entered by us. It is automatically generated in the system. All right, it is interesting. So we saw in the last session, we have seen how to get the data from SQL Server to SQL Server. But today we've seen like how to get the data from Excel to SQL Server. Okay. Now I will quickly do the alternative. I will just take the data from SQL Server to Excel. Okay, let's create another package. This is good. Let's build the solution. This is fine now. Now let's create another package. Alternate.